तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको PUBG मोबाइल के टॉप 5 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता हो। तो लेट्स गो गाइस। तो आपको ब्लू जोन के बारे में तो पता ही होगा, इसको बनाने का मेन मकसद ये है कि बंदे आपस में फाइट लें। लेकिन क्या आपको पता है, शुरुआत में PUBG मोबाइल में ब्लू जोन को स्क्वायर में बना रहे थे, यानी कि जो आप अभी देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे वो वैसा नहीं हुआ, बल्कि वो स्क्वायर में होने वाला था। लेकिन प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से इसको सर्कल बनाया गया। क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया है कि PUBG मोबाइल का जो असली नाम है वो है प्लेयर अनाउंस बैटल ग्राउंड, लेकिन क्यों इसी नाम का इस्तेमाल करा गया? तो देखिए गाइस, जब PUBG मोबाइल बंद रही थी तो उनमें से उनकी एक हेड थे जिनका नाम था ब्रैंडन ग्रीन। तो जब उन्होंने पहली बार गेम खेला तो उन्होंने अपने प्लेयर का नाम रखा था प्लेयर अनोन। तो उनको ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिस वजह से उन्होंने जो है इस गेम का नाम प्लेयर अनोन बैटल ग्राउंड रख दिया। तो गाइस अगर आपको मेरे दिए हुए फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप जाकर BS गेमिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो यार, अपना सपोर्ट दिखाओ वीडियो में, ताकि मैं ऐसी और वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। अब गाइस ये वाला फैक्ट जान के मैं बता रहा हूँ पक्का भाई आप हैरान हो जाओगे। देखो जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो वर्चुअल थ्रेड बंटाना, क्या आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है $69,000, यानी कि अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बता के चलूँ तो देखो भाई स्क्रीन में कितना आ रहा है, भाई मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जब PUBG पहली बार लॉन्च हुई थी यानी कि 2070 में, तो ये जो बंडाना है यानी कि जो इसने मुंह पे पहना हुआ है ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही आई थी शॉप के अंदर, फिर उसको रिमूव कर दिया गया था, जिस वजह से बहुत कम बंदों के पास है, इक्का दुक्का के पास, जिस वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। गाइस आपको पता होगा PUBG मोबाइल में आपको हर किसी मैच के अंदर एक आध बॉट्स तो देखने को मिलते ही हैं, तो इसका रीज़न क्या है? बॉट्स को बेसिकली कहते हैं AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका बनाने का बेसिकली रीज़न यही है कि जो न्यू प्लेयर्स है यानी कि जो प्लेयर पहली बार गेम खेल रहे हैं उनके लिए गेम थोड़ी आसान हो जाए। गाइस क्या आपको पता है कि जब PUBG लॉन्च हुआ था, PUBG के लॉन्च होने के तकरीबन एक साल बाद ही PUBG ने करीब 8652 करोड़ रुपए कमाए थे, वो भी पहले साल में। तो बस गाइस यार आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो यार लाइक करना, और चैनल पे हो नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।